मैं दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में रुका हुआ था। जब मैंने वहां के सेफ को चाय में केला और सेब डालते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उनसे पूछा कि सेब साहब भला चाय के अंदर केला और सेब कौन डालता है? तो उन सेब साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। बोलते हैं कि सर, जितने भी 5-स्टार होटल हैं उनमें आपको चाय इसी तरीके से मिलती है। हर कोई चाय में सेब और केला डालता है, तो तभी हमारी चाय जो होती है इतनी स्वादिष्ट होती है और इतनी महंगी भी होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि ज़रा मुझे भी ये ट्रिक बताओगे? तो उन्होंने बहुत ही प्यार से बोला, क्यों नहीं सर, इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक कैटल लेनी होगी और उसके अंदर जितना आप दूध डाल रहे हैं उसका आधा आपको इसमें ऐड करना होगा पानी। पानी ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करनी होगी चाय पत्ती और इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा उबाल लेना होगा। 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाय पत्ती और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। जो भी आप चीज़ इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जितना हम ऐड करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उन सेब साहब से यह ट्रिक जान के मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करूँ। इस तरीके से उन सेब साहब ने इसको अच्छे से कद्दूकस करना स्टार्ट कर दिया और अदरक को लगभग थोड़ा सा टुकड़ा जो बोलते हैं हम वो इसके अंदर कद्दूकस करके डाल दिया। आगे की जानकारी दूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सौम्या जी को कानपुर से और गरिमा जी को हैदराबाद से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसके अंदर कुछ दो चीज़ें और ऐड की है। एक तो दोस्तों हमने इसमें इलायची ऐड की है और दूसरी चीज़ दोस्तों हमने इसमें ऐड की है वो है सौंफ। उन सेब साहब ने मुझे बताया कि इस चाय को हमें अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे अगर मैंने बताया है सर, अगर आप वैसे करेंगे तो यह चाय बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगी और आप इसी तरीके से चाय बनाकर हमेशा घर में पियोगे और इसका टेस्ट है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। चाहे आप 5 कप चाय बनाइए या फिर 10 कप, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको भी एक बार इस चाय को ज़रूर ट्राई करना है। आपको भी पता चलना चाहिए, अगर आपने कभी 5-स्टार होटल की चाय नहीं पी है तो आपको भी पता चल जाएगा कि 5-स्टार होटल में चाय कैसे बनाई जाती है। उन्होंने मुझे ये भी बताया, चाय को जब उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो जाए तो आपको इसके अंदर ऐड करना होगा गुड़। गुड़ की एक छोटी सी जो डली होती है दोस्तों, वो आपको इसके अंदर ऐड करनी होगी। और लगभग दोस्तों मैं ये 2 कप चाय बना रहा हूँ तो उसमें लगभग मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी है और इसको 2 मिनट तक उबाला है। और फिर जैसे ही यह और उबलने लगे तो दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना होगा केला। केला आपको दोस्तों अगर आप चाहें तो एक भी केला इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि टेस्ट थोड़ा गड़बड़ा सकता है तो दोस्तों आप केला कम भी डाल सकते हैं। मैंने दोस्तों आधा केला इसके अंदर डाल दिया है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर ऐड करूँगा सेब, जैसे कि उन सेब साहब ने मुझे बताया। मुझे तो दोस्तों लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ अलग और यूनिक चाय बनेगी जो कि पीने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी, क्योंकि दोस्तों केला और सेब तो खाने में वैसे ही स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन सभी चीज़ों के साथ इसका मेल होगा कि नहीं होगा। तो हमने उसी जिस तरीके से सेब साहब ने बताया उसी तरीके से हमने भी सेब को कद्दूकस करके इसके अंदर ऐड कर दिया। कुछ इसी तरीके से दोस्तों आप भी कद्दूकस करके आप सेब को ऐड कर दीजिए। एक बार दोस्तों जीवन में ज़रूर इस चाय को आप ट्राई करके देखना, अगर पसंद आएगी तो दोस्तों आपको ये चाय हमेशा इसी तरीके से पीनी होगी। क्योंकि 5-स्टार की जो चीज़ें होती है दोस्तों वो वाकई में ही 5-स्टार होती है और 5-स्टार की चीज़ों की कीमत दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि हमेशा चीज़ें बढ़िया ही होती है। तो अब दोस्तों हमें इसे लगभग ये दोनों चीज़ें डालने के बाद, सेब और केला डालने के बाद, सेब साहब ने मुझे जैसे बताया कि आपको 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से उबालना है। जैसे ही 5 से 7 मिनट हो जाए तो आपको क्या करना होगा, केले को जो है हमने इसके अंदर डाला था उसको हमें इसके अंदर से निकाल लेना होगा। एक टुकड़ा हमने निकाल लिया है और दूसरा टुकड़ा भी हम निकाल लेते हैं और साइड में रख देते हैं। और अब दोस्तों हम इसे 2 मिनट तक और अच्छे से उबालेंगे ताकि हमारी जो चाय है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो। और इस तरीके से दोस्तों कड़छी चलाते रहें और गैस की फ्लेम जो है वो आप मीडियम में रखें ताकि जो हमारी चाय है कड़छी चलाने से बाहर ना आए और हमारा जो टेस्ट है वो भी ना बिगड़े चाय का, ताकि अगर उबल गई दोस्तों यह है तो गड़बड़ेशन हो जाएगी। तो अब दोस्तों हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और एक कप में दोस्तों जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी यह चाय लगी। अगर दोस्तों आपको हमारी यह चाय की ट्रिक पसंद आई हो, सेब साहब की अगर वीडियो आपने जैसे कि उन्होंने बताया पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।